तो किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धरना स्थल पर अब किसान नेता और उनके साथ तमाम किसान उपवास रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान खुद किया है। जी हाँ, आज गांधी जी के शहीदी दिवस पर उपवास रखने का ऐलान किया गया है। शांति अहिंसा के लिए किसान जो है वो उपवास रखने वाले हैं। इसके पीछे का तर्क यही दिया गया है, शहीदी दिवस के मौके पर उपवास रखेंगे किसान। और एक तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ और अब किसान आंदोलन जो भटकता नजर आ रहा है, भटक चुका है अपने रास्ते से, अब ये उपवास रखकर एक नया ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है कि 26 जनवरी जो शर्मनाक तस्वीर देश के लोगों ने देखी उसके डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश लगती है। अक्षय, बिल्कुल, ऋतिका और प्रत्युष हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है। ओवर टू यू। बिल्कुल अक्षय और श्वेता, आपको अगर स्थिति की बात की जाए तो पहले देखिए जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि यहाँ से जो तमाम किसान जो पर मौजूद थे वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन कल जब नरेश टिकैत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि देखिए यहाँ से तमाम संख्या में अलग अलग छोटे छोटे समूह में किसानों को यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना है क्योंकि अब इस आंदोलन को और बढ़ाना है, हम राकेश टिकैत के आंसुओं का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर अब संख्या प्रत्युष देखिए किसानों की बढ़ती हुई दिख रही है और उसी तरीके से उसी जोश में इस आंदोलन की एक बार फिर से शुरुआत कर दी गई है जो कि 2 महीने पहले की गई थी। देखिए, परसों जो लग रहा था, जो तस्वीर थी, परसों से आज की तस्वीर बिल्कुल जुदा है क्योंकि अब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और फिर से किसान है। हमने सुबह सुबह देखा कि कई किसान अंदर कुछ नीचे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे बैठे हुए थे, कुछ सो रहे थे, मतलब जो आंदोलन स्थल लग रहा था कि खाली हो जाएगा प्रशासन के उस नोटिस और आदेश के बाद, अब वो वहां पहले से कहीं ज्यादा संख्या में भर गया। हाँ, हजारों आप नहीं कह सकते लेकिन सैकड़ों की संख्या में वहां पर किसान आ गए और दावा है कि आज भी कई सारे किसान मुजफ्फरनगर से चलकर यहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, और आज की तस्वीर जो है और ज्यादा बड़ी होती हुई इस लिहाज से नजर आएगी क्योंकि कल महापंचायत हुई थी, अब यही महापंचायत आज यूपी के अलग अलग जगहों पर भी हो रही है, वहां पर भी आह्वान किया जाएगा और जिस तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है, तमाम जो नेता एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो उनकी राजनीति जो है कम होती हुई दिखाई देगी। किसानों का आंदोलन था जो लग रहा था कि किसान इस आंदोलन में शामिल है, हम किसी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं देंगे, अब ये किसान आंदोलन एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन बन गया। हाँ। तब जब राहुल गांधी ने कल कह दिया जी, प्रत्युष और ऋतिका आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दे, आज बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी से किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है। बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली कूच करने वाला है। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुई महापंचायत में फैसला लिया गया है। अक्षय, बिल्कुल, और लगातार लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है और ये वजह कि जो आंदोलन तकरीबन खत्म नजर आ रहा था वो आंदोलन एक बार फिर से यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ पहुंच रही है लेकिन ये भीड़ यहां पर कब तक टिकेगी ये देखने वाली बात है। एक बार फिर से प्रत्युष और ऋतिका का रुख करेंगे, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्या ये आंसू वो पाप धुल पाएंगे जो 26 जनवरी को हुआ है? प्रत्युष, बड़ा सवाल यही है। देखिए, आज बापू की पुण्यतिथि पर जो आज सद्भावना दिवस रखा गया है, दरअसल इसके पीछे इनका मैसेज साफ है, जो 26 तारीख को हुआ जिसकी वजह से लोग आहत हुए, कई असली किसान या सच्चे किसान आहत हुए जो इस आंदोलन को छोड़कर चले गए थे, पुलिस के नोटिस और आदेश से पहले ही गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू हो गया था जो हमने दिखाया भी था, अब उस दाग को उस धब्बे को धोने की एक कवायद है, एक कोशिश है कि गलत मैसेज ना जाए, ये जाए कि देखिए हम शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रत्युष देखिए बहुत ही हास्यास्पद है और डैमेज कंट्रोल करने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि लगातार सवाल इन्हीं के हमले को लेकर उठ रहे हैं कि अगर आप शांति तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते थे तो फिर आपने शर्तों के साथ उस रैली की शुरुआत क्यों नहीं की, और जो किसान नेता जो कि अब दम भर रहे हैं कि कुछ हमारे नेता थे, कुछ किसान थे जो कि अनपढ़ थे, दिल्ली के रास्तों के बारे में नहीं जानते थे, भटक कर वहां पर चल गए लेकिन जब हमने अपील की तो वापस भी आए, तो ऐसे में सवाल लगातार इसी चीज को लेकर उठ रहा है कि पहले आपने शुरुआती तौर पर इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं दिया जब आपको लग रहा है कि देखिए अब किसानों के साथ जो जनसंपर्क। बिल्कुल ऋतिका, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त टिकरी बॉर्डर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर हमारे दर्शकों को बता दें, टिकरी बॉर्डर पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है,
कल जो हंगामा हुआ था उसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कल के मुकाबले आज पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो हाई अलर्ट मोड पर हैं। अभिषेक दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त कल जब मैं यहाँ पर था तो कल फोर्स की संख्या सुबह से लेकर शाम तक कम थी, पर आज फोर्स की संख्या काफी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के जवान भी बहुत ज्यादा है, कल के मुकाबले अगर मैं कहूँ तो तीन गुना की संख्या है। और कल मैं अंदर रेकी करने भी गया था टिकरी के अंदर, जो शॉट हमने खुद हिंदुस्तान पे एक्सक्लूसिव फुटेज चलाए भी है, मैं अंदर गया था और मैंने वीडियोज भी बनाए हैं। अंदर की संख्या जितनी है उससे ज्यादा तो आज मुझे इस तरफ पुलिस की संख्या दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें आरएएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान यहाँ पर अभी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने खड़े हैं और हाई अलर्ट मोड पर है। कल तो कुछ जवान रिलैक्स होकर बैठे पीछे, लेकिन आज कोई भी बैठा हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर और एसएचओ लेवल के बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कुछ ना कुछ बड़ा होने की यहाँ पर आशंका। चलिए नजर बनाए रखिए अभिषेक, कुछ बड़ा होने की आशंका आप बता रहे हैं, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंघु बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सुमित, सिंघु बॉर्डर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कल यहाँ काफी हलचल देखने को मिली, काफी पत्थर चले, आज स्थिति क्या है? देखिए श्वेता, कल की हिंसा को देखते हुए सिंघु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिंघु बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि अब करनाल जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल पब्लिक हैं, खासकर अगर 40 गांव के लोग वो आज भी आ सकते हैं, इस एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया है। और देखिए, गाड़ी की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ही किसी भी, यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ी की भी एंट्री पर बैन लगा दी गई है। तो ऐसे में अब सबसे अहम बात है कि अब आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से यहाँ के 40 गांव वाले अपनाएंगे, क्योंकि सबसे अहम बात है कि कल जिस तरह से हिंसा देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ के जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद से ये किसान नहीं है और इन्हें बॉर्डर तो अब खाली। बिल्कुल, हर बॉर्डर पर सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चहलकदमी बढ़ती जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए जी हिंदुस्तान। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, भारत में सबसे पहले कहां सूर्य उगता है? नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और एलईडी टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।